नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मित्रों, आज न्यूज़ क्लिक को लेकर बड़ी चर्चा है। न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ पोर्टल है और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसमें प्रवीर प्रकाश जो इसके फाउंडर हैं वो प्रो लिबरल हैं, यानी वामपंथी विचारधारा, वामपंथी में भी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं, बल्कि विचारधारा वाले हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे पत्रकार रहे। 1975 में जब देश में आज़ादी का जब इमरजेंसी लगी थी तो वो भी जेल गए थे, और तब से वो और उनके जैसे और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो ये सब काम कर रहे हैं। जैसे उसमें एक उर्मिलेश जी हैं, तो उर्मिलेश जी को मैं पर्सनली जानता हूँ। वो CPM के कार्डर हैं और स्टूडेंट यूनियन में भी रहे हैं, SFI में रहे हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो उस विचारधारा से जुड़े हैं। तो ये न्यूज़ क्लिक में, और तो सब कुछ ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि एक अमेरिका में रहने वाले NRI जो सिंघम साहब हैं, यानी नील रॉय सिंघम, ये जो चीन की चीनी सरकार है उसकी मीडिया डिपार्टमेंट, उनकी जो मीडिया स्ट्रेटजी है उसके वो हिस्सा हैं। उनको वहाँ से पैसा मिलता है, वो रहते हैं अमेरिका में, और वहाँ से उन्होंने न्यूज़ क्लिक को पैसे भेजे और उनको ऐसी खबरें उन्होंने प्लांट कराई, उनसे कहा कि इस एंगल पर आप लिखो, जैसे कि कोविड में चीन की भूमिका क्या रही, कैसे चीन ने कोविड को हराया और कैसे उन्होंने दुनिया पर जीत हासिल की, इस तरह की तमाम चीज़ें जो प्रो चाइनीज थी वो उन्होंने खबरें लिखी। तो यहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो चीन की सरकारी एजेंसी है उनके वहाँ से पैसा गया सिंघम को, और सिंघम ने पैसा दिया न्यूज़ क्लिक को, और न्यूज़ क्लिक से पैसा आया अभिसार शर्मा, आपके भाषा सिंह, और जो उर्मिलेश और तीस्ता सितलवाड़ और परंजय गुहा ठाकुर, ये इतिहासकार हैं, और एक सोहेल हाजमी जो बड़े नाटककार थे, इनके पिताजी हाजमी साहब उनके पुत्र हैं। तो इस तरह से ये एक इनका पूरा जो हिसाब किताब था, ये कुछ कुछ ऐसा करते थे कि जो सरकार के खिलाफ या खासकर मोदी के खिलाफ अगर कोई स्टोरी होती थी, अगर कोई उनको मौका मिलता था तो छोड़ देने थे। और अब अभिसार शर्मा को देखें तो उनकी जितनी भी वीडियो हैं उनको शुरुआती वो प्रधानमंत्री मोदी को भला बुरा कहने से शुरू करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। जबकि जो पत्रकारिता का अपना जो सिस्टम होता है कि भाई आप बैलेंस कवर करो, तो आप ढूंढ ढूंढ के और उन्हीं बातों को लपेट के, जैसे कि पुण्यपरसोन वाजपेयी या अजीत अंजुम, ये भी यही करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का काम होता है। तो सरकार भी नेचुरली इस उसमें बैठी हुई थी कि कब ये गलती करते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि चीन से पैसा इन्होंने ले लिया। और उसके बाद ये 2021 में ED ने एक केस दर्ज किया था, और चूँकि वो हाई कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन नहीं मिली इनको अरेस्ट करने के लिए, तो फिर दिल्ली पुलिस ने एक नया अपना ब्रह्मास्त्र फेंका, जिसको बोलते हैं UAPA, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये नया कानून में, इसमें जब पोटा ख़त्म हुआ था तो UAPA में बहुत सारे जो पोटा के प्रोविज़न थे वो UAPA में जोड़े गए, और उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और UAPA के बल पर इन्होंने इनको, जो अभिसार शर्मा और उर्मिलेश भाषा सिंह और ठाकुर शीतलवार तो मुंबई में है, इनके यहाँ इन्होंने छापेमारी की और इनको उठा के दिल्ली पुलिस जो लोधी कॉलोनी का पुलिस स्टेशन है वो स्पेशल सेल है, वहाँ आप कह सकते हैं कि सारी जितने बड़े आतंकवादी होते हैं, जितनी बड़े माफिया गैंग या इन सबको यहीं इनसे पूछताछ होती है, तो ये पूछताछ का अड्डा है ये लोधीकरण का पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ उनको लेके आ गए। तो ऐसा एक चर्चा है कि उनको अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शाम को कहा था कि अभी हमने अरेस्ट नहीं किया, अभी केवल हिरासत में, लेकिन इनसे पूछताछ चल रही है। और इन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से ट्वीट किया कि उनको अरेस्ट किया गया है, उनके लैपटॉप मोबाइल पुलिस ने सीज कर दिए हैं। तो अब ये मामला जो है, अब इसमें जैसे शीतलवाड़ के बारे में कहा जाता है वो उसको 1 करोड़ से ज़्यादा मिले
इसको अभिसार शर्मा के बारे में कहा जाता है कि इनको 20-25 लाख रुपए मिले। इसी तरह से उर्मिलेश के बारे में भी कहा जाता है कि इनको बड़ी मोटी रकम मिली है। असल में जो न्यूज़ क्लिक है वो फ्रीलांस बेस पे भी काम करती है कि आप उनके लिए काम करो, उनके लिए आर्टिकल लिखो और या इंटरव्यू करो, तो वो आपको बदले में पैसा देते हैं। तो अब जैसे हम लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ, तो हमको 1,000-2,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन इनको लाखों रुपये मिले। इसलिए शक की सुई जाती है कि लाखों रुपये किस बात है, क्या आप क्या काम ऐसा कर रहे हो। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उनके जाल में आप फंस गए हो, यानी जो वो चाहते हैं कि आपके जो बड़े चेहरे बड़े नाम हैं तो आपके नाम को भुनाया जाए और स्टोरी प्लांट कराई जाए, और वो स्टोरी चीन के फेवर में, क्योंकि आपको पता ही है कि चीन किस तरह से भारत पर अटैक कर रहा है, LAC पर किस तरह से हम लोग परेशान हैं। तो चीन के फेवर में करना और अपनी सरकार की क्रिटिसाइज़ करना, उसको हर बात में हर बात बात पर क्रिटिसाइज़ करना, तो उस तरह से। और जैसे इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे कि इनको ये फोर्ड फाउंडेशन से इन्होंने पैसे लिए, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अब इनको कल शायद पता लगा, क्योंकि अभी ये थाने में ही है, तो पुलिस अब तय करेगी। पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो कल सुबह उनको, यानी जो रूल है कि आपको तो पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाए, फिर कोर्ट इनको पुलिस कस्टडी में भेजती है या जुडिशल कस्टडी में भेजती है। तो नेचुरली इनको पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी, क्योंकि UAPA लगा है, इनके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा है। तो इस एक्ट में तो ये बड़ा खतरनाक एक्ट है, जो देशद्रोह का जो मामला है उससे भी खतरनाक है। देशद्रोह को तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, तो अब UAPA का सहारा दिल्ली पुलिस ने लिया। और इसके अलावा इस पर 153A भी जोड़ा गया है और 120B जोड़ा गया, यानी साजिश भी जुड़ गई है दो ग्रुपों में, यानी दो समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करने का मामला जो 153A में आता है वो भी जोड़ा गया है। तो मामला तो उन्होंने बहुत संगीन बना दिया है, पुलिस ने बहुत कठोर एक्ट लगाए इस पर, जो एक्ट और क्लॉज लगाए हैं, तो उसमें देखते हैं कि इसमें कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कोर्ट इनसे जो हमारे आर्टिकल 19(1) में जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो उस तरह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको इनको राहत दे दे, लेकिन ये सब बात अब कोर्ट के पास है। लेकिन ये मामला ज़रूर बन गया। आज BJP को छोड़कर लगभग सभी दलों ने इसकी आलोचना की और कहा कि ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। जब मीडिया का गला घोटा गया, कांग्रेस ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, बहुजन समाज पार्टी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने, CPM ने, तो सब लोगों ने, और जो प्रेस क्लब है हमारा, उस प्रेस क्लब ने भी एक बल्कि छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने किया और इसकी निंदा की, पत्रकारों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की गई, तो आदि पर लिखेगा पड़ेगा कैसे। तो अब इसमें कोर्ट को तय करना है, और ये लोग स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में ये 19(1) के तहत जाएंगे कि हम हमारे अधिकारों का हनन किया गया और उन्होंने जो पैसे लिए हैं ये उनको साबित करने पड़ेंगे कि जो पैसे लिए गए वो किस मद में लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, आपने क्यों पैसे लिए हैं, तो शायद इस बारे में वो खुलासा करेंगे। और अगर ये पैसा विदेशों से आया है तो ये भी हो सकता है कि उन पर फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस भी चले, यानी PMLA भी इसमें लागू, इसमें और जोर दिया जाए ताकि इसमें ED की भूमिका आ जाए, क्योंकि ED ऑलरेडी 2021 में केस दर्ज कर चुकी है। तो उसमें जो भी आगे मामला बढ़ेगा इस पर फिर मैं बात करूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।